एक संग जा पड़ेंगे पछाड़ खा के। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है जहां पर महाकुंभ को लेकर 400 मकानों पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी कर ली गई है। घर के मालिकों से ही वसूला जाएगा तोड़ने का खर्च। नोटिस के बावजूद मालिकों ने अवैध हिस्से को नहीं ढहाया, लिहाजा घर के मालिकों से ही खर्च वसूला जाएगा। नोटिस दिया गया था इन मालिकों को, मकान मालिकों से जुर्माना वसूला जाने की तैयारी है। अवैध हिस्सों को अब पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ढहाएगी। 400 मकान हैं जिन पर बुलडोजर चलेगा। ये कार्रवाई जो आप देख पा रहे हैं, घर के मालिकों से ही इस कार्रवाई का खर्चा वसूला जाएगा। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ये करने की तैयारी में है। अवैध हिस्सों को अब पीडीए ढा देगा। उत्तर प्रदेश महाकुंभ को लेकर 400 मकानों पर बुलडोजर चलेगा और घर के मालिकों से ही इसका खर्च भी वसूला जाने की तैयारी है। इन्हें नोटिस दिया जा चुका था, महाकुंभ को लेकर ये तैयारी प्रयागराज में की जा रही है। 400 मकानों पर बुलडोजर। सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे मकान मालिकों के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है। नोटिस जारी करने के बावजूद जिन भवन स्वामियों ने मकानों के अवैध हिस्से को, याद रखिए, मकानों के अवैध हिस्से को जिन भवन मालिकों ने नहीं ढहाया, उसे अब पीडीए ढहाएगा और ध्वस्तीकरण में जो खर्च लगेगा उसको भी मकान मालिकों से ही वसूला जाएगा। यानी ये जो भी कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है, ये विकास के लिए या सड़क चौड़ीकरण के लिए लोगों के घर तोड़कर नहीं, उसके बढ़े हुए अवैध हिस्से को तोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके लिए नोटिस दिया जा चुका था कि आप अपना अवैध हिस्सा तोड़कर वापस पीछे हो जाएं, लेकिन लोगों ने नहीं कदम उठाया, लिहाजा पीडीए ये कार्रवाई करेगा और जो खर्चा आएगा वो मकान मालिकों से वसूला जाएगा। प्रयागराज से ये खबर आ रही है। महाकुंभ को लेकर तैयारी प्रयागराज में तेजी पर है। और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। वन फाइनल अपॉर्चुनिटी एस